पढ़ाने जा रही हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। उससे सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के लिए मुझे आपके साथ में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हम टॉपिक आगे लें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, सबसे फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब होता है द मोड ऑफ टेकिंग फूड। जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, हम उस वर्ड को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपके पास में जो है वो बेसिकली थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड होता है हेटरोट्रॉपिक और थर्ड होता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ रिपेयर करता है, सेल्फ मैन्युफैक्चर करता है, उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी दो सब पार्ट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सेल्फ रिपेयर करते हैं। सेकेंड आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज आते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये केमिकली अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसलिए ये कीमोसिंथेटिक में है। तो ऑटोट्रॉप में जहाँ किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपना फूड खुद प्रिपेयर करा वो ऑटोट्रॉप हो गया। उसमें भी दो सब पार्ट हो गए, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में ग्रीन प्लांट्स और कीमोसिंथेटिक में कुछ बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो हमारे पास में होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है उसको बोला जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कुछ सब पार्ट्स आते हैं जिसमें फर्स्ट हमारे पास में आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहती हैं उसको बोला जाता है सैप्रोफाइट्स, और इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड जो वहां पर आता है वो आपके पास में आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें ह्यूमन और अमीबा आते हैं ये इसके एग्जांपल है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लेता है उसको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लिया, बल्कि उसके अंदर 5 स्टेप्स भी वहां पर फॉलो अप होंगे जो मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो हेटरोट्रॉप में फर्स्ट था सैप्रोफाइटिक, एग्जांपल था उसका फंगस जो कि अपना फूड डेड एंड डिके फॉर्म में ले रही है। फंगस एग्जांपल हम कर सकते हैं मशरूम। सेकेंड हमारे पास में था होलोजोइक जिसमें अमीबा और ह्यूमन बींग आ गए जो सॉलिड फॉर्म में फूड ले रहे हैं और 5 स्टेप्स उनके अंदर फॉलो हो रहे हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। थर्ड जो आता है वो आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है उसको बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स भी टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एन एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट जो अपने फूड के लिए किसी होस्ट की बॉडी के बाहर डिपेंड है, मीन्स वो अपने फूड के लिए होस्ट पे तो डिपेंड है लेकिन आउटसाइड देयर बॉडी उसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में जो हमारे पास में एग्जांपल होंगे वो होगा लाइस जो हेयर्स में हो जाते हैं, डॉग पर जो टिक्स हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के वो आपके बैड बग, ये हमारे पास में आते हैं एक्टोपैरासाइट में। एंडोपैरासाइट का मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए होस्ट पर तो डिपेंड है लेकिन इनसाइड द होस्ट बॉडी, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है उसको बोला जाता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में फर्स्ट एग्जांपल जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा एस्कैरिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। बेस्ट वन एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है और वो होस्ट के लिवर में रहता है। तो इस तरीके से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थ्री टाइप में हो गया, पैरासाइट्स जिसमें एक्टो और एंडो हो गए, नेक्स्ट हमारे पास में आया होलोजोइक जिसमें ह्यूमन एंड अमीबा, और थर्ड हमारे पास में रहा सैप्रोफाइट जो डेड एंड डीके फॉर्म में गया और उसमें बेस्ट एग्जांपल गया फंगस और मशरूम।
थर्ड टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस जो एक कनेक्टिंग लिंक है, मींस वो ऑटोट्रॉप्स भी है एज वेल एज वो हेटरोट्रॉप्स भी है। और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा युग्लिना। युग्लिना जो कि एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर मींस वो बना हुआ है सिंगल सेल से, और यूकैरियोट इसलिए क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, इसलिए वो यूकैरियोट है। और युग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि वो एक कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि युग्लिना पजल्स क्लोरोफिल। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो इट बिहेव्स एज एन ऑटोट्रॉप्स इन डे टाइम। वाइल इन द नाइट टाइम, बिकॉज द क्लोरोफिल ओनली वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो नाइट टाइम में इट वर्क्स एज अ हेटरोट्रॉप्स, जहां वो प्रीडेटर बन जाता है और अपनी फूड को जब वो कैप्चर करता है, कैच करता है, वो होते हैं प्रे। मीन्स मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहां पर युग्लिना जो कि डे टाइम में ऑटोट्रॉप बन गया क्योंकि उसके पास में क्लोरोफिल था, उसने फोटोसिंथेसिस करा, और नाइट टाइम में वो हेटरोट्रॉप बन गया क्योंकि तब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था और वो बिहेव कर रहा था एज अ प्रीडेटर, जहां वो अपने प्रे को कैप्चर कर रहा था, उसे कैच कर रहा था, इसलिए वो आपके पास में नाइट टाइम में बिहेव कर रहा है हेटरोट्रॉप्स की जैसे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है युग्लिना यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, ये कैटेगराइज होगा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। मींस यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन मींस मोड ऑफ टेकिंग फूड, जिसमें थ्री मेन कैटेगरी हमने पढ़ी, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप एंड मिक्सोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉप में हमारे पास में थ्री थी जिसमें सैप्रोफाइट्स, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक में दो थी, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, और थर्ड हमारे पास में था मिक्सोट्रॉप, जहां पर दोनों के जैसे बिहेव हुआ और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे साथ में आया युग्लिना। अब हम यहाँ पर जो इस वाली वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ में जाऊंगी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग अपना फूड कैसे ले रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बोला ह्यूमन बींग के अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लेंगे और लेने के बाद उनके अंदर वो फाइव स्टेप्स जो है वो फॉलो भी होंगे। लेकिन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग पढ़ने के लिए हमें सबसे फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस। वो एक लॉन्ग ट्यूब जो हमारे माउथ से एनस तक रन हो रही है, उसको बोला जाता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। और इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हम इंजेस्ट भी कर लेते हैं फूड को, डाइजेस्ट भी हो जाता है अगर उसमें, और अब उस फूड के अंदर जो भी प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी कुछ है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी के अंदर, एसिमिलेट हो जाता है, और जो भी फीसेस और वेस्ट मटेरियल होता है वो हम इजेस्ट भी कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमारी इस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का मतलब एक लॉन्ग ट्यूब जो कि हमारे माउथ से एनस तक चल रही है। ये पूरी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से लेकर एनस तक है, ये एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे फर्स्ट है माउथ। हम जो अपना फूड लेते हैं वो माउथ के थ्रू लेते हैं। माउथ इज बाउंडेड बाय टू लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स, और ये जो लिप्स होते हैं इनको हम लोग लेबिया भी कहते हैं। माउथ के बाद जो हमारा फूड होता है वो जाता है हमारी बकल कैविटी, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो जैसा अभी हमने बोला कि जो लिप्स होते हैं उनको लेबिया भी बोला जाता है। अब माउथ के बाद जो फूड गया वो फूड गया बकल कैविटी, जिसे ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। बकल कैविटी के वहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये थ्री टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं,
पैरोटेट सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर, जिसमें से पैरोटेट सलाइवरी ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ये जो हमारे पास में पैरोटेट सलाइवरी ग्लैंड होती है ये हमारे ईयर लोब के नीचे होती है, जो सब लिंगुअल है। लिंगुअल लिंगुआ लिंगुआ वर्ड का मतलब होता है टंग। ये वाली जो होती है सब लिंगुअल ये हमारे टंग के बेस पर होती है। और जो थर्ड है सब मैंडिबुलर, ये जो हमारे मैंडिबल्स होते हैं जो लोअर जॉ होता है वहां पर होती है। तो सबसे पहले फूड माउथ के थ्रू हमारी बकल और ओरल कैविटी में जाएगा, वहां पर ये तीन ग्लैंड्स मिलेंगी और भी होगा वहां पर, वो अभी हम आगे मूव करेंगे जैसे जैसे मैं आपके साथ में डिस्कस करती जाऊंगी। उसके बाद जो फूड होगा वो जाएगा फारिंग्स में। फारिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जहां पे फूड और एयर दोनों आते हैं। अगर फूड है तो वहां से ईसोफेगस में जाएगा और अगर एयर है तो वहां से ट्रैकिया में जाएगी। तो सबसे फर्स्ट माउथ, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से फारिंग्स में गया, फारिंग्स एक कॉमन पैसेज हो गया। फारिंग्स के बाद में जो फूड होगा वो जाएगा ईसोफेगस मींस फूड पाइप के अंदर। उसके बाद में वो जाएगा आपके पास में स्टमक में। स्टमक भी थ्री रीजन्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट होता है फंडिक, सेकेंड होता है कार्डियक और थर्ड होता है पाइलोरिक। ये जो स्टमक होता है ये हमारा जी शेप का ऑर्गन है। यहाँ पर एक मस्क्यूलर शीट है और ये जो मस्क्यूलर शीट होती है थोरैक्सिक रीजन के नीचे, लंग्स के नीचे, इसको बोला जाता है डायफ्राम। तो फूड सबसे पहले माउथ, माउथ से बकल कैविटी, फारिंग्स, फारिंग से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टमक। स्टमक के बाद जो फूड होगा वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट है ड्यूडेनम, सेकेंड वाला पार्ट है जुजेनम और थर्ड वाला पार्ट है इलियम। और उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद वो एंटर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपके पास में ये कोलोन है, ये रेक्टम होगा और ये एनस है। यहीं पर मैंने इधर लिवर बना रखा है। बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लिवर है। लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर है। लिवर का फंक्शन होता है बाइल जूस फॉर्म करना। वहां पे गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। और पैनक्रियाज है, ये भी अपना जूस बनाती है जो कि होता है पैनक्रियाटिक जूस। और लिवर का बाइल जूस, पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस, ये भी हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, फीसेस है, वो यहाँ पर कोलोन के थ्रू रेक्टम में आके कलेक्ट होता है। जब वो रेक्टम में आके कलेक्ट होता है तो एक न्यूरल मैकेनिज्म होता है जहां पे हमें एक इंट्यूशन होती है कि हमें उस वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना है। और एनस के थ्रू जहां पर ओपनिंग है, एनल ओपनिंग, वहां पर ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उस ओपनिंग के थ्रू रिलीज होता है। और जैसे जैसे अभी हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, मैं आपके सामने फिर से इन सबको रखूंगी। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि यहाँ माउथ, बकल कैविटी, फारिंग्स, ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएगा। अब फूड का कैसे इंटेक हुआ, कैसे फूड हमारे अंदर गया और कैसे उसका इजेशन हुआ, अब वो मैं सब आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। वन मोर थिंग, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड आता है लिवर से, क्योंकि लिवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हिपैटिक सेल, जैसे लंग्स की एल्वियोलाई होती है और नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन होती है, ऐसे लिवर की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो होती है हिपैटिक सेल। और ये वो रीजन होगा जहां पर लिवर से जो बाइल जूस फॉर्म हुआ है वो और पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक कॉमन प्लेस पर आकर वो डक्ट उन्हें ज्वाइन करेगी, उसको हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मींस लिवर और पैनक्रियाटिक मींस पैनक्रियास। तो ये हमारे पास में और ये हमारे पास में होगा ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का काम होता है जब फूड फारिंग से ईसोफेगस में जाता है तो वहां पर आपके पास में ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस का फंक्शन है कि वो उस फूड को ट्रैक
ट्रैकिया में नहीं जाने दे, उसकी एंट्री वहां से रोके और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो ये माउथ, बकल कैविटी, फारिंग्स, दैन वो जो उसको फूड को ट्रैकिया में नहीं जाने देगा, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, ईसोफेगस, दैन स्टमक, ये मस्कुलेशी डायफ्राम, स्टमक के फंडे, कार्डियक एंड पाइलोराइड थ्री रीजन हो गए, दैन लिवर, उसके अंदर गॉल ब्लैडर जो कि उसको स्टोर करेगा, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस बनाएंगी, दैन स्मॉल इंटेस्टाइन, डुडेनम, जुजेनम, इलियम। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें आपके पास में ये वाला रीजन कोलोन, देन रेक्टम और एनस। ये वाला जो रीजन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम बोलते हैं सीकम, क्योंकि यहाँ पर इलियम जॉइन है सीकम से, इसलिए इसको बोला जाएगा इलियोसीकल वाल्व। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हो नहीं हो डजंट मैटर, नॉन फंक्शनल है। अगर इसमें स्वेलिंग आ गई तो अपेंडिसिटिस होने के और चांसेस होते हैं। और जहां पर लिवर की जो बाइल डक्ट है और पैनक्रियास की डक्ट जाके ज्वाइन होंगे उसको हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हम बात कर लेते हैं फूड कैसे इंजेस्ट हुआ और कैसे वो डाइजेस्ट हुआ। स्टूडेंट्स, इंजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड, जो फूड आपने लिया है उसका इनटेक होना, दैट इज इंजेशन। इंजेशन हम जो करते हैं वो माउथ के थ्रू करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि माउथ इज बाउंडेड बाय टू लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, लिप्स को हमने कह दिया लेबिया। वहां से जो वो फूड होगा वो जाएगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी और हम उसको बोल सकते हैं ओरल कैविटी। बकल और ओरल कैविटी में, बकल कैविटी के वहां पर सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। थ्री टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा सीक्रेट करना। सलाइवा का फंक्शन है हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट बनाना, सॉफ्ट एंड स्लिपरी बनाना और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे फूड में से स्टार्च को डाइजेस्ट करना। कैसे वो अभी हम बात करेंगे। सेकेंड वहां पर होती है टंग। टंग जहां पर आपके पास में टेस्ट बर्ड्स होती है, स्वीट, सॉ, बिटर, सॉल्ट, उसके लिए टंग होती है। टंग का टेस्ट बर्ड के अलावा जो काम है फूड को सलाइवा के साथ में मिक्स करती है और ये जो टंग होती है हमारे लिगामेंट से अटैच होती है एट द बेस ऑफ लिगामेंट, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। जहां पर वो अटैच रहती है एट द बेस ऑफ लिगामेंट उसका नाम है फ्रेन्यूलम। टंग के बाद में जो और वहां पर होता है वो होती है पैलेट, जिसमें आपके पास में होती है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। बकल कैविटी की जो रूफ है उसका जो इंटीरियर पार्ट है वो हार्ड है इसलिए उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सॉफ्ट है इसलिए उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। फोर्थ आते हैं टीथ। ह्यूमन बींग में बेसिकली फोर टाइप्स के टीथ होते हैं और वो जो फोर टाइप्स के टीथ होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर्स। मोलर टीथ को हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं और ये जो मोलर टीथ होता है जिसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं ये लाइफ में थोड़ा लेट अपीयर होता है। इंसीजर का काम होता है फूड की कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करना। कैनाइंस का काम होता है टियरिंग में और बाकी जो प्रीमोलर्स और मोलर्स है इनका फंक्शन होता है फूड की क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए। हमारा जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 और इसी को अगर हम डबल सेट कर देंगे तो 32 सेट ऑफ टीथ होंगे। कैसे, हमारे टू इंसीजर राइट में, टू इंसीजर लेफ्ट में, वन कैनाइन राइट में, वन कैनाइन लेफ्ट में, हमारे टू प्रीमोलर्स राइट में, टू प्रीमोलर्स लेफ्ट में, थ्री मोलर्स राइट में एंड थ्री मोलर्स लेफ्ट में। तो हमारे पास में हुआ कि फोर इंसीजर्स हो गए हमारे अपर जॉ में, हमारे पास में टू कैनाइंस हो गए,
4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स। तो ये हमारे पास में अपर जॉ में होगा 16 और नीचे भी सेम यही सेट होगा, इसलिए हमारे पास में 16 अपर जॉ, 16 लोअर जॉ और वो होते हैं 32 सेट ऑफ टीथ। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 सेट ऑफ टीथ होगा, जबकि जो मिल्क टीथ होते हैं वो हमारे पास में होते हैं सिर्फ 20। मिल्क टीथ जो रहते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं, वो 32 नहीं होते। टीथ पर मैं कुछ वर्ड आपके साथ में इंट्रोड्यूस कर रही हूं, जिसमें फर्स्ट वर्ड है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब ये है हमारी जो टीथ होते हैं वो जॉस में एम्बेडेड है, इसलिए हम उस वर्ड को बोलते हैं थीकोडोंट। सेकंड है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इवोल्यूशन के टाइम पर जब हम लोग एक प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आए थे, तब हमारे जो कैनाइन्स थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, क्योंकि तब हम मीट और फ्लैश पर फीड करते थे और उसको हम टीयर करते थे, इसलिए तब हमारे कैनाइन्स जो थे वो मोर डेवलप थे। और थर्ड वर्ड आता है डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट का मतलब हमारी लाइफ में जो टीथ का सेट होता है वो 2 times अपीयर होता है, एक मिल्क टीथ जो कि 20 है और एक अडल्ट सेट ऑफ टीथ जो कि हमारे पास में है 32। तो हमारी बकल कैविटी में फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि फूड को लुब्रिकेट बनाएंगी, उसमें से स्टार्च डाइजेस्ट करेंगी, टंग उस फूड को सलाइवा के साथ में मिक्स करेगी, टेस्ट बड का काम करेगी, टंग का जो बेस ऑफ लिगामेंट जिससे वो अटैच रहती है उसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूला। उसके बाद आता है पैलेट, जो रूफ है बकल कैविटी की एंटीरियर वाली हार्ड और पोस्टीरियर वाली सॉफ्ट। और फिर हमारे पास में आ गए टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जिसमें विजडम जो है वो वेस्टिजियल है। ऐसा नहीं है कि अगर विजडम टीथ आपके नहीं है तो बहुत क्रिस्पी और आप ये नहीं खा सकते, वो लाइफ में थोड़ा सा लेट अपियर होता है इसलिए वो वेस्टिजियल है, वो नॉन फंक्शनल है। थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफियोडोंट, ये हमारे पास में बात हो गई इन 3 वर्ड की। हम आगे का भी हम डिस्कस करेंगे, एक डिटेल अकाउंट ऑफ टूथ वो हम अपने यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अपने एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने फूड का इंजेशन करा, फूड माउथ में गया और वहां से गया बकल कैविटी में। ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि जब फूड स्टमक में जाता है तो डाइजेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता। फूड का डाइजेशन बकल कैविटी मींस ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। यस, तो माउथ तो एक बाउंडेड हो गया टू लिप्स से, जब वो बकल कैविटी में जाएगा तो उसका डाइजेशन वहीं पे स्टार्ट होगा। अब सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मैम डाइजेशन का मीनिंग क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं डाइजेशन का हिंदी मीनिंग, लेकिन उसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल साइमल्टेनियसली मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन भी समझाती जाऊंगी। फूड जब इंजेस्ट हो गया माउथ के थ्रू बकल कैविटी में पहुंचा, वहीं पर सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया न्यूट्रिशन का और वो है डाइजेशन। डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जो फूड हमने लिया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और वो नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में है, और क्योंकि हमें उसका एब्जॉर्प्शन करना है, उसमें से जो भी हमारे पास में सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी को यूटिलाइज करने हैं, इसलिए बहुत जरूरी है उस कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड का सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड में चेंज होना। बकल कैविटी के अंदर थी सलाइवरी ग्लैंड्स, और वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट करेंगी सलाइवा, उनके पास में होगा सलाइवा, सलाइवा के पास में और उस सलाइवा में होगी एंजाइम्स। एंजाइम्स वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है जिसके बिना हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकती, और अगर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन मींस इंटरनल रिएक्शन रुकी तो पूरी चेन रुक जाएगी, एक बॉडी के अंदर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में है सलाइवा, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज।
या तो फिर टाइलिन। ये जो एमाइलेज और टाइलिन है, इसका काम होगा अगर हमारे फूड में स्टार्च है तो वो जो स्टार्च हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, और वो सिंपल फॉर्म होगी माल्टोज एंड ग्लूकोज। एएसी लगते ही जो सफिक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, और ओएसी अगर सफिक्स लग गया तो हम बात कर रहे हैं वहां पर शुगर की। तो स्टार्च जो हमारे अंदर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसका सिंपल फॉर्म माल्टोज और ग्लूकोज में चेंज होना। ये जो हमारे पास में स्टार्च होगा इसको हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट। जैसे केमिस्ट्री में आपके रिएक्टेंट हैं, ऐसे हमारे बायो में सबस्ट्रेट है। उस तरफ जो माल्टोज और ग्लूकोज बना वो हमारे पास में है प्रोडक्ट, और जो मैंने एरो के ऊपर लिखा है ये हमारे पास में है एंजाइम्स, और इसको हम एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, और इसको बोला जाता है बायो कैटेलिस्ट। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री में कैटेलिस्ट है, यहाँ पर बायो कैटेलिस्ट है। तो हमारी बकल कैविटी के अंदर जितना भी फूड में स्टार्च होगा वो मोस्ट पार्ट जो स्टार्च का होगा वो यहीं पर डाइजेस्ट होगा। उसके अलावा हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे बकल कैविटी के अंदर एक और एंजाइम होगी जिसका नाम होगा लाइजोजाइम। लाइजोजाइम वो एंजाइम है अगर हमारे फूड में बैक्टीरिया है, जर्म्स है, तो उसको हमारे माउथ में, हमारी बकल कैविटी में ही किल कर देने का काम करती है लाइजोजाइम। तो यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन हो गया। अब यहाँ से माउथ, उसके बाद बकल कैविटी, फिर जाएगा फूड फारिंग्स में। फारिंग्स एक कॉमन पैसेज था, वहां पर कोई डाइजेशन नहीं होगा, वहां से सीधा फूड जाएगा ईसोफेगस में। फारिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं, फारिंग्स के बाद ईसोफेगस, और वहां जो बीच में ओपनिंग रही वो हो गई गुलेट। ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। अब जब फूड यहाँ ईसोफेगस में आएगा तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो फूड जाएगा जब वो ईसोफेगस से पास होगा तो वो छोटी छोटी बॉल्स की फॉर्म में पास होगा, और वो जो छोटी छोटी बॉल्स होंगी फूड की उसको बोला जाएगा फूड बोलस, वो जो फूड की स्मॉल बॉल्स हैं। और जब ये फूड इस ईसोफेगस में से पास होगा तो उसमें एक मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे पेरिस्टाल्सिस। वो मूवमेंट होगा पेरिस्टाल्सिस, या उसको बोला जाएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इसका मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब वो फूड उस ईसोफेगस में से पास होगा तो वहां पर आपके पास में होंगे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वो फूड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा, और तब जाके वो स्टमक तक पहुंचेगा। और जब ये फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, यहां पर ये जब स्टमक में जाएगा तो स्टमक के वहां जो एक जंक्शन होगा जहां पे ईसोफेगस एंड स्टमक के लिए वर्ड आता है गैस्ट्रिक, तो वहां जो इनका जंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्फिक्टर। इंस्फिक्टर वो मसल्स होती है जो कि उस फूड को ईसोफेगस से स्टमक में लेके जाती है। जो फूड
स्टमक में जाएगा, 3 to 4 hours वही रहेगा और स्टमक में वहां पर सबसे ज्यादा फूड में से प्रोटीन का डाइजेशन होगा। जैसे बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन हुआ, ऐसे स्टमक में सबसे ज्यादा अच्छे से प्रोटीन का डाइजेशन होगा। 3-4 hours फूड वहां रहेगा। जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा वो एक थिक पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा और वो जो थिक पेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे काइम, CHYME काइम हम उसे बोलेंगे, जितना भी फूड स्टमक में डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेशन बकल कैविटी और उसके बाद में होगा स्टमक में। तो फूड हमारा माउथ बकल कैविटी जहां स्टार्च का डाइजेशन हुआ, दैन फारिंग्स, गुलेट के थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक, ईसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट हो रहा था उसको हमने बोला पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम बात करते हैं फूड स्टमक में कैसे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि स्टमक में मेन पार्ट जो डाइजेस्ट होगा वो डाइजेस्ट होगा प्रोटीन। स्टमक में आपके पास में फर्स्ट होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। स्टमक के अंदर होंगी आपके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होंगी जहां पर HCl होगा उन सेल्स का नाम होगा ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल्स। ये जो ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल्स होंगी यहाँ पर HCl सीक्रेट रहेगा। HCl का काम होता है अगर हमारे खाने में कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया है उसको किल करना, हमारे फूड को एसिडिक बनाना। उसके अलावा हमारे अंदर दो एंजाइम्स हैं, एक है पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है और एक है रैनिनोजन वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है। इन दोनों एंजाइम्स को HCl एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और रैनिनोजन को रैनिन में। और ये जो रैनिन और पेप्सिन होती है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। रैनिन नॉर्मली रूमिनेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। रूमिनेंट्स में आते हैं काउ, शीप, बफेलो, ये रूमिनेंट्स होते हैं। क्यों इन्हें रूमिनेंट्स बोलते हैं? क्योंकि इनके स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ओमेसम, एबोमेसम, रूमन और रेटिक्यूलम। तो क्योंकि इनके स्टमक का एक पार्ट है रूमन इसलिए इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स, काउ, शीप एंड बफेलो को। और उनके अंदर रैनिन बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है। हमारे अंदर जो रैनिन होती है वो एक छोटे बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है। और जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे अंदर रैनिन का काम भी पेप्सिन को करना पड़ता है। रैनिन हमारे अंदर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जहां पर ऑक्सेंटिक एंड पेराइटल है और वहां पर है HCl, फूड को एसिडिक बनाना, जर्म्स बैक्टीरिया को किल करना, पेप्सिनोजन और रैनिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है इनको कैसे लेकर आना एक्टिव फॉर्म में, ये काम यहां पर होता है। सेकेंड हमारे पास में है, पहले हम थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड वहां पर है म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स। ये जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है यहां पर सीक्रेट होता है म्यूकस। ये जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है इसके अंदर है म्यूकस। म्यूकस इज द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। क्योंकि HCl हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज नहीं कर दे इसलिए म्यूकस उस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर हम कुछ नहीं भी खाएंगे तो भी हमारे अंदर HCl एटलीस्ट 50 ml होगा और ये HCl जो 50 ml है इसको बोला जाएगा रेजिडुअम। और अगर वो इससे ज्यादा हो जाता है तो पर्सन को एसिडिटी हो जाती है और फिर उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ एल्किलाइन लेना पड़ता है, कुछ बेस लेना पड़ता है और वो जो वीक बेस हम लेते हैं वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो कि इनो और जो भी डाइजीन्स हैं उनके अंदर वो प्रेजेंट होता है। अब जो सेकेंड सेल्स होती हैं वो आपके पास में होती हैं जिसमें कुछ एंजाइम सीक्रेट होता है और उनका नाम होता है पेप्टिक एंड जाइमोजेनिक सेल। पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल्स का काम क्या है?
जैसे एक्सियल ऑक्सांटिक और पेराइटल सेल में था, ऐसे ही पैप्टिक और जाइमोजेनिक सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं और वो एंजाइम्स होती हैं जो उसने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करी रैनिन, पैप्सिन एंड लाइपेस। लाइपेस का दूसरा नाम होता है स्टैप्सिन। लाइपेस फैट को डाइजेस्ट करती है, रैनिन पैप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। लाइपेस स्टमक में क्योंकि फैट को डाइजेस्ट कर रही है, बहुत कम अमाउंट ऑफ फैट हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। तो लाइपेस का काम होता है कि अगर हमारे फूड में फैट्स है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सबस्ट्रेट है, और लाइपेस एक एंजाइम है, बायो कैटालिस्ट है, वो उस फैट को ब्रेक करती है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में अब रैनिन और पैप्सिन क्या करते हैं वो देखिए। मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, तो सबसे फर्स्ट मिल्क में से प्रोटीन सेपरेट करने वाला काम करती है रैनिन। रैनिन जो है वो मिल्क में से प्रोटीन सेपरेट करती है और वो प्रोटीन होता है कैसिन। कैसिन वो प्रोटीन है और जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है, जो रेजिड्यू होता है, जिसको हम वे बोलते हैं, उसे सेपरेट करती है। अब ये जो कैसिन है, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम भी प्रेजेंट है, ये जो कैसिन है मिल्क में प्रेजेंट कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करता है और वहां पर बनाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और कैल्शियम प्रोटीन ये कर्ड की फॉर्म में होता है, इसलिए कभी अगर मिल्क के बाद में या मिल्क प्रोडक्ट के बाद में जब वॉमिट होती है तो लिया हमने मिल्क है लेकिन वॉमिट ऐसी होती है जैसे कर्ड बाहर आ रहा है, ये वही वाली स्टेट होती है जब वो प्रॉपरली प्रोटीन डाइजेस्ट, जब प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब ये जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट और कैल्शियम प्रोटीन है जो कर्ड है यहाँ पर, ये आपके पास में आगे जाकर जो पैप्सिन है ये उसको ब्रेक करती है। ये वाला काम रैनिन ने ही करा और क्योंकि हमारे अंदर तो पैप्सिन ही करेगी सारे फंक्शन, ये पैप्सिन उसको ब्रेक कर देगी पैप्टोन्स एंड प्रोटीएसेस के अंदर। पैप्टोन और प्रोटीएसेस जो है ये प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म है और ये भी आगे जाके सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में चेंज होंगी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो लाइपेस का काम था फैट्स को, जो कि सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करना। रैनिन ने मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को सेपरेट करा कैल्शियम कैसिन और वे में, फिर उसने कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाया और वो कैल्शियम पैरा कैसिनेट पैप्सिन की हेल्प से पैप्टोन और प्रोटीएसेस में चेंज हुआ। ये पूरा डाइजेशन स्टमक में हुआ, मीन्स स्टमक में आपके पास में ऑलमोस्ट प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब वहां से जो फूड होगा वो आपके पास में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखिए वहां थ्री जूसेस होंगे, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना जूस होगा और वो जो वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस होगा उसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस। उसका दूसरा नाम सकस एंट्रिकस भी हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर का बाइल जूस भी आएगा। लिवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है
और वो टू लोब्स में डिवाइड है। लिवर का काम होता है बाइल जूस फॉर्म करना, और ये जो बाइल जूस होता है मींस बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन इसके कंटेंट होते हैं, और यही बाइल जूस की वजह से हमारी एपेटाइट कंट्रोल होती है। बाइल जूस का जो पीएच होता है वो स्लाइटली अल्केलाइन होता है, 8.6 होता है, और अगर बाइल जूस हमारे अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा तो हमारे अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेकंड जो जूस आता है वो लिवर का बाइल जूस आता है। और फिर वहां पर एक और जूस पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक जूस। ये तीनों जूस होंगे, इसलिए सबसे ज्यादा टाइम जो डाइजेशन का होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लगेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेन फूड डाइजेस्ट होता है, वहीं पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। जितना भी फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, जैसे स्टमक में डाइजेस्ट हुआ वो थिक पेस्ट को हमने बोला काइम, ऐसे ही जो फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे काइल। काइल आपके पास में एक लिक्विड फॉर्म में जब सारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो हम उसको काइल बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक क्वेश्चन जो मैं एनसीईआरटी का आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवर्स की लॉन्गर होती है एज कंपेरिजन टू कार्निवर्स, क्योंकि जो हर्बीवर्स होते हैं वो ग्रास ईटिंग है, ग्रास सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की, उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हर्बीवर्स की बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू कार्निवर्स। कार्निवर्स जो है उनको मीट ऑफ फ्लैश डाइजेस्ट करना है तो उनका उसमें हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक्चुअली मेन पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो वही होती है, मेन पोर्शन ऑफ डाइजेशन वहां पर होता है, सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है डाइजेशन का वो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लगता है। तो अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसे डाइजेस्ट हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट है बाइल जूस जो कि लिवर ने फॉर्म करा। बाइल जूस का काम होता है अगर हमारे फूड में फैट है तो उस फैट का इमल्सिफिकेशन कर देना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है कि जो बड़े बड़े हमारे फूड के अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ना ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, वो काम बाइल जूस करता है। इसलिए हमने आपको कहा था कि स्टमक में फैट बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि वहां ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इतना ही नहीं बल्कि ये स्टॉप करता है गैस्ट्रिक एंजाइम जो फूड पर काम कर रही है, फूड को एल्केलाइन बनाता है, और वहां पर जब फैट ब्रेक डाउन हो जाता है सेकंड जो वहां काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास के अंदर है, और वो पैनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होती है ट्रिप्सिन एमाइलेज माल्टेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है इसका दूसरा नाम होता है एरिप्सिन। ये क्या करती है, जो भी हमारे स्टमक में प्रोटीन और पेप्टोन्स बने जो कि एक सिंपलर फॉर्म थी प्रोटीन की उसको ये ब्रेक करती है अमीनो एसिड्स के अंदर। अमीनो एसिड्स हमारे अंदर प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, वो मैं कभी जब 11th क्लास के साथ में बायोमोलिक्यूल डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी, और थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड हमारे अंदर है। यही अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन हमारे अंदर प्रोटीन बनाती है, और दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन बोला जाता है। तो ये जो ट्रिप्सिन है स्टमक में डाइजेस्ट हुए पेप्टोन और प्रोटीएसेस उसको चेंज कर रही है अमीनो एसिड में। एमाइलेज का काम होता है अगर हमारे खाने में स्टार्च है अभी भी, एमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं ओरल और बकल कैविटी में थी, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना सिंपल फॉर्म माल्टोज और ग्लूकोज के अंदर।
मेन सिंपल शुगर में। ये जो माल्टोज है, माल्टेज इस माल्टोज को, माल्टोज शुगर है, माल्टेज एक एंजाइम है, वो इस माल्टोज को सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में चेंज करेगी। और लाइपेज का काम, जो लाइपेज का फंक्शन जो स्टमक में था, क्योंकि यहाँ पर फैट इमल्सिफाई हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उस फैट्स को ब्रेक कर देना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये जो फंक्शन है ये कौन करेगा? ये फंक्शन करेगी लाइपेज, मतलब स्टेप्सिन। ये यहाँ पर अमीनो एसिड बना, मींस प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना, मतलब फैट डाइजेस्ट हो गया। तो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना जूस है, इंटेस्टाइनल जूस, वो अब क्या काम करेगा वो अब हम देखते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, माल्टेज, अभी भी अगर फूड में माल्टोज है उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, तो उस माल्टोज को चेंज करना ग्लूकोज के अंदर, वो काम माल्टेज करेगी, वो भी इंटेस्टाइनल जूस में है। सुक्रेज, अगर हमारे फूड में शुगर है, सुक्रोज, सुक्रोज शुगर है, शुगर के इन जूस में होती है, और ये जो सुक्रोज है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, बट देयर आइसोमर्स, जहां पे उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। लैक्टेज, लैक्टेज का काम है, अगर हमारे फूड में लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर जो मिल्क में होती है, उसको चेंज करना ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। मीन्स अभी यहां पर अगर आप नोटिस कर रहे हैं, ओएसई शुगर, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। ट्रिप्सिन, अगर अभी भी हमारे फूड में पैप्टोन या प्रोटीएसेस है, तो उस पैप्टोन और प्रोटीएसेस को ब्रेक कर देना, और उसको ब्रेक करना अमीनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि अमीनो एसिड की चेन ही प्रोटीन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। और लाइपेज का काम है फैट्स को फिर से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करना। जो भी मैंने एरो की तरफ लिखे हैं वो सबस्ट्रेट है, जो उस तरफ है वो रिएक्टेंट है, और जो हमने एरो के ऊपर लिखे हैं वो एंजाइम है, बायोकैटालिस्ट है, जो कि यहाँ कॉम्प्लेक्स और सिंपलर फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते हैं। तो जहां अमीनो एसिड आया मींस वहां प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, जहां ओएसई शुगर आया वहां कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, और जहां फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आया स्टूडेंट्स वहां पर फैट का डाइजेशन हो गया। ये बहुत डिटेल अकाउंट नहीं है, बट ये हमारे पास में एक लेआउट हो गया, एक ओवरव्यू हो गया डाइजेशन का। अब जब फूड इंजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर एक्सपेल्ड आउट होगा, और उसके बीच में दो स्टेप और होंगे, वो होगा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। बट मैं अपनी इस वीडियो में आपको इंजेशन और डाइजेशन तक क्लियर कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के जो हमारे तीन स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन, वो मैं अपनी लेटर वीडियोस में बहुत जल्दी आपके साथ में ज्वाइन करूंगी और वो आपको क्लियर कर दूंगी। वो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा न्यूट्रिशन पार्ट टू होगा। होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत अच्छी से आपको डाइजेशन क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप प्लीज पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए उसको, मैं बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच व्यूज। आप अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।
Thank you all of you. Bye everyone. And don't forget to subscribe my channel. Press bell icon for having more notification and updates.